दोस्तों, सब्र का फल हमेशा मीठा नहीं होता। जी हाँ, सब्र का फल पैसा भी हो सकता है। मोहब्बतें पिक्चर तो हम सब ने देखी होगी। तो मोहब्बतें पिक्चर के अमिताभ बच्चन की लाइफ के तीन रूल्स थे, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। और ये रूल्स दुनिया भर में फेमस हैं। हम भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 9 इजी रूल्स, जिन्हें आप याद रखेंगे तो आपको अमीर बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता। अच्छा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, इट्स ओके। लेकिन सच में दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करना कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ज्यादातर लोगों को जब उनकी इन्वेस्टमेंट पर मनचाहा रिटर्न नहीं मिलता तो वो थक हार के इन्वेस्टमेंट करना ही छोड़ देते हैं। पर इन्वेस्टमेंट छोड़ना कोई समझदारी की बात तो है नहीं। आपकी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम बैठे हुए हैं, टेंशन मत लो, हम हैं यहां पर। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ये जो रूल्स आप जानने वाले हैं, अगर आपने इनको जान लिया तो समझ लो आपने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के छुपे हुए राज जान लिए। हम इस सीरीज में आपको बताएंगे कि कैसे आप रिस्क फ्री और कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट करके मनचाहा रिटर्न कमा सकते हैं। ये 9 रूल्स आपका टाइम बचाएंगे और इतने प्रॉफिटेबल साबित होंगे कि आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ेंगे। तो फिर अच्छे काम में देरी क्यों? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में और जानते हैं अमीर बनने का पहला रूल क्या है। स्वागत है दोस्तों आपका इस एपिसोड में। आज हम इन्वेस्टमेंट की एक स्मार्ट ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है रूल ऑफ 72। तो क्या है ये रूल ऑफ 72? अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली कितने समय में डबल हो जाएगा, ये बताता है रूल ऑफ 72। इस रूल की बोनस टिप भी है दोस्तों, अगर आपको अपना पैसा 2 साल में डबल करना है तो रूल ऑफ 72 आपको बताएगा कि 2 साल में पैसा डबल करने के लिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट को कितने परसेंटेज से ग्रो करना होगा। आप नॉर्मल तरीके से जब अपने पैसे डबल होने का हिसाब लगाने बैठेंगे तो आपको कई इक्विपमेंट्स जैसे लैपटॉप, कैलकुलेटर और एक्सेल शीट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन रूल ऑफ 72 से आप 2 सेकंड में यूं इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन कर पाएंगे। इमेजिन कीजिए, आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है और आपको साल में 15% का प्रॉफिट हुआ। क्या आप बता पाएंगे कि इस स्पीड से आपका पैसा डबल होने में कितना टाइम लेगा? जी हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है ना। कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। एग्जैक्टली 5 साल में आपका म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा डबल हो जाएगा। बैंक आपको सेविंग्स अकाउंट का 4% प्रॉफिट देगा तो आपका पैसा 18 साल में डबल होगा। वहीं फिक्स्ड डिपॉजिट में आपका पैसा 9 साल में डबल होगा। अब सवाल आता है कि हमने इतनी फास्ट और एग्जैक्ट कैलकुलेशन कुछ ही सेकंड्स में कैसे कर दी। ये जादू है रूल ऑफ 72 का। रूल ऑफ 72 कहता है अगर आपको ये जानना है कि आपका पैसा कितने टाइम में डबल होगा तो अपने इंटरेस्ट रिटर्न को 72 से डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका म्यूचुअल फंड का रिटर्न 15% है तो उसे 72 से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए, आपकी कैलकुलेशन सॉल्व हो गई। सेम ट्रिक के इस्तेमाल से आप ये भी जान जाएंगे कि आपको अपना पैसा कम समय में कैसे डबल करना है। इसी तरह बस अपने प्रॉफिट के परसेंटेज को 72 से डिवाइड करते जाइए, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन से बचते जाइए और अपना पैसा डबल करते जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, जहां हम लेकर आएंगे ऐसा ही एक जादुई और कामयाब रूल जो आपको बनाएगा अमीर। सबसे बड़ा हेडेक तब आता है जब हम अपना पोर्टफोलियो सेटअप करने के लिए अपने पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं। एक पोर्टफोलियो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स का इन्वेस्टमेंट होता है, जहां हमें समय के साथ इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता है। और ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है जहां हम उस पोर्टफोलियो को होल्ड करके रखते हैं एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पर्सनल फाइनेंस में एक इंपॉर्टेंट रूल है,
100 माइनस योर एज रूल। ये रूल कहता है अगर आप अपनी उम्र को यानी एज को 100 नंबर से माइनस कर देते हैं तो जो परसेंटेज निकल कर आएगा उस परसेंटेज को आप अपने पर्सनल इक्विटी पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मुझे पता है अभी आप सोच रहे होंगे ये कैसा अजीब सा रूल है, ये कौन सा तरीका हुआ इन्वेस्टमेंट करने का भाई साहब, है ना? लेकिन ये तरीका आपके पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को इतना प्रॉफिट दिलाएगा कि आप खुद अपने दोस्तों और परिवार वालों को ये रूल सजेस्ट करने लगेंगे। आइए जानते हैं कि ये रूल काम कैसे करता है। अगर आपकी एज 30 साल है तो आपको 100 में से 30 माइनस करना है और जवाब निकल कर आएगा 70%। तो इसका मतलब है लगभग 70% आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में यानी आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए और बाकी 30% इन्वेस्टमेंट ब्रांड्स और फिक्स डिपॉजिट जैसे फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट प्लान में होना चाहिए। इस रूल का पर्पस यही है कि जब आप यंग होते हैं, जवान होते हैं, तब आप अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट करके एक रिटर्न और प्रॉफिट कमा सकते हैं और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आप अपने पैसे को बॉन्ड्स और FD में इन्वेस्ट करके रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट लगभग 70% का इन्वेस्टमेंट रिस्की जाना जाता है। इसलिए हम हमारी सभी सीरीज में आपको ये एडवाइस करते हैं कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखें, अलग अलग जगह रखें जैसे म्यूचुअल फंड, FD और बॉन्ड्स में भी। दोस्तों अपना पैसा स्टॉक्स इक्विटी के साथ साथ इन्वेस्ट करते जाएं। इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों और साथ ही इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए रिस्क और बजटिंग को समझना भी जरूरी है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में जहां हम आपका इंतजार करेंगे इन्वेस्टमेंट और बजट से जुड़े एक नए रूल के साथ। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक बिजनेस करने से ही अमीर बना जा सकता है, एक रेगुलर इनकम के साथ आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। आप में से ज्यादातर लोग शायद यही मानते होंगे लेकिन अगर आप अपने आसपास ढूंढेंगे तो बहुत सारे करोड़पति आपको सैलरीड क्लास में मिल जाएंगे जिनका कोई फैमिली बिजनेस नहीं है, खुद का कोई बिजनेस नहीं है। फिर वो अमीर कैसे बन गए? एक नॉर्मल जॉब करने वाला आदमी भी अमीर बन सकता है दोस्तों। जी हाँ, हम मिडिल क्लास लोगों को समय थोड़ा ज्यादा लगेगा अमीर बनने के लिए लेकिन हम अमीर बन जाएंगे। चलिए बनते हैं अमीर और जानते हैं कि क्या है 50, 20 और 30 का फॉर्मूला, 50-20-30 रूल। अमीर बनने के लिए आपके पास 4 इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए। पहला, मनी सेविंग की आदत। दूसरा, रेगुलर इन्वेस्टमेंट करना। तीसरा, रिसर्च करना। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करना। इन 4 इंग्रेडिएंट के साथ 50-30-20 रूल ऑफ मनी को मिलाइए और अमीर बनने की डिश तैयार हो जाएगी। दोस्तों आपको करना यह है कि आपकी जितनी भी मंथली इनकम है उसका 50% आप अपनी बेसिक नीड पर खर्च कर सकते हैं। अब बेसिक नीड्स में क्या आता है? रेंट या EMI, उसके अलावा फूड, ट्रांसपोर्टेशन, क्लोथ्स, बेसिक नीड्स यानी रोटी, कपड़ा, मकान। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंटरनेट बिल भी बेसिक नीड्स में आप काउंट कर लीजिए। अपने लिए यही रूल बना लीजिए कि अपनी इनकम का 50% ही आप अपनी बेसिक नीड्स में खर्च करेंगे। इसके अलावा आते हैं आपके वॉन्ट्स एंड विशेस पर, यानी जो आप चाहते हैं जैसे कार से ट्रेवल करना, दोस्तों के साथ वेकेशन प्लान करना, ब्रांडेड क्लॉथ्स खरीदना या फिर महंगा फोन खरीदना। आपको अपनी इनकम का 30% ही अपनी वॉन्ट्स यानी अपनी इच्छाओं पर खर्च करना है। अगर महंगा फोन खरीदना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा इनकम आपको अरेंज करनी होगी। उसके बाद आपकी इनकम का 20% डेफिनेटली आपकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए जो आपको फ्यूचर में मदद करेगी, चाहे वो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो, इमरजेंसी फंड हो या फिर शादी के लिए पैसा जोड़ना हो। ये 20% की हुई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट आपको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाकर रखेगी और एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर भी देगी। उम्मीद है दोस्तों आप 50-20-30 रूल को अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बजट और इनकम को किस तरह से मैनेज करते हैं, तो वही तय करेगी आपकी अमीर बनने की गति।
मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए इन्वेस्टमेंट रूल के साथ। दोस्तों, इमरजेंसी फंड का मतलब होता है जब आपकी फैमिली को या फिर आपको इमरजेंसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जहां आपको इमीडिएट कैश रिक्वायरमेंट होती है, चाहे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो या फिर कुछ खरीदने की इमरजेंसी। ऐसी सिचुएशंस के लिए हम जो फंड बनाते हैं उसे इमरजेंसी फंड कहते हैं। इमरजेंसी फंड को तीन तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। पहला तरीका है कि आप इमरजेंसी फंड को कैश में रख लीजिए। दूसरा तरीका, इमरजेंसी फंड को बैंक के सेविंग अकाउंट्स में रख लीजिए। तीसरा, उस इमरजेंसी फंड को बैंक के फिक्स डिपॉजिट में जमा कर दीजिए, जिससे आपका इमरजेंसी फंड सिक्योर भी रहेगा, प्लस फिक्स डिपॉजिट में आपका इमरजेंसी फंड टाइम के साथ साथ ग्रो होता चला जाएगा। इमरजेंसी फंड को अच्छे से और ज्यादा समझ लेते हैं दोस्तों। इमेजिन कीजिए, सडनली आपकी जॉब चली जाए, आपकी रेगुलर इनकम बंद हो जाए। अब अगली जॉब कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन क्या हमारे खर्चे रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। इसलिए आपके पास कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल का इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पाएं। क्या आप जानते हैं कि कैसे आप अपने इमरजेंसी फंड को ग्रो कर सकते हैं? दोस्तों, इमरजेंसी फंड को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। हो सकता है जब आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़े, तब आपका स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके फायदे की जगह नुकसान दे रहा हो। इसलिए इमरजेंसी फंड को आप ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में भी सेव कर सकते हैं। ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट आपको फैसिलिटी देते हैं कि आप इमरजेंसी सिचुएशन में अपने इमरजेंसी फंड को कैश कर पाएं। साथ ही साथ ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट्स में हर साल आपका इमरजेंसी फंड एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही ग्रो करता रहेगा। इमरजेंसी फंड ग्रो करने का एक और तरीका है दोस्तों, कि अपनी सेविंग्स अकाउंट में स्वीप इन फैसिलिटी एक्टिवेट करवाना, जिससे एक लिमिट के बाद आपका पैसा ऑटोमेटिकली बैंक एफडी में कन्वर्ट कर दे। इसके अलावा इमरजेंसी फंड ग्रो करने के लिए आप अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा हर महीने अपनी इमरजेंसी फंड सेविंग में ट्रांसफर कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, मुसीबत के समय कोई दोस्त या रिश्तेदार काम आए ना आए, आपका पैसा जरूर काम आता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के एक नए और अनोखे रूल पर। स्वागत है दोस्तों आपका 6th एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात की इमरजेंसी फंड की। इमरजेंसी फंड ज्यादातर इसलिए काम आता है ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पर हमें लोन या किसी से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े, हमारा खर्चा इमरजेंसी फंड उठा पाए। लेकिन आजकल लोन लेना लोगों की एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। हर किसी को कभी ना कभी लोन की जरूरत पड़ ही जाती है। हम ये नहीं कहते कि लोन लेना खराब बात है, लेकिन लोन लेने से पहले आपका ये जान लेना बहुत जरूरी है कि आप अपनी इनकम के हिसाब से कितना लोन लेना अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 40% EMI रूल। इस रूल का यह मकसद है कि आप अपनी इनकम का ज्यादा हिस्सा लोन की किस्त चुकाने में वेस्ट ना करें। अगर आपकी इनकम 50,000 है, तो इस रूल के मुताबिक आपकी टोटल EMI यानी लोन की किस्त 40% या फिर उससे कम होनी चाहिए। मतलब 50,000 की इनकम में 20,000 से ज्यादा आपकी EMI नहीं होनी चाहिए। अगर 40% से ज्यादा है तो यह आपके लिए खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी को अगर आपने इग्नोर कर दिया, तो आपका मंथली बजट, आपकी सेविंग्स, आपके इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी फंड पर बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट होने लगेगा। धीरे धीरे आपकी सेविंग्स खत्म होने लगेंगी और आपका अकाउंट एक दिन खाली हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में पड़कर लोग अक्सर ही गलत डिसीजन ले लेते हैं। एक लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं और पैसे के इस खेल में उलझते चले जाते हैं, जहां समय और लाइफ दोनों बर्बाद होती हैं। आप इस झंझट से बचे रहें, इसलिए 40% EMI रूल को फॉलो करें। अगर लाइफ में अमीर बनना है तो अपनी सोच को भी अमीर बनाना होगा।
नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में। रुक जाइए, इंश्योरेंस का नाम सुनते ही लोग भागने लग जाते हैं ना। आप भी सोच रहे होंगे कि हम इन्वेस्टमेंट पर सीरीज बना रहे हैं तो इंश्योरेंस के टॉपिक कहां से आ गए, है ना। इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स ऐसी चीज है जो इंसान अपने मन से, अपने दिल से करना चाहता है, अमीर बनना चाहता है, कम टाइम में जितना ज्यादा पैसा कमा सके कमाना चाहता है। इंश्योरेंस को एक अलग एंगल से समझते हैं। एक फेमस क्रिकेटर जिसे आप सब जानते हैं, विराट कोहली। क्या आपको पता है विराट कोहली के पास 600 करोड़ का इंश्योरेंस है? जरा सोचिए, इतना बड़ा क्रिकेटर जो करोड़ों रुपए कमाता है, उसको इंश्योरेंस लेने की क्या जरूरत पड़ गई? हम बताते हैं क्यों। आप इंश्योरेंस सिर्फ आपकी लाइफ को या आपकी फैमिली की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि आपकी मेहनत से कमाए हुए पैसे और आपकी कीमती इन्वेस्टमेंट को भी प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। अब सवाल आता है कि हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है। मार्केट में इतने सारे इंश्योरेंस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, जिसमें हमें पैसे भी बचें और सिक्योरिटी भी मिल जाए। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 20x टर्म इंश्योरेंस रूल। इस रूल के मुताबिक अगर आपकी एनुअल इनकम 5,00,000 रुपए तक है तो आपको 20 गुना टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, मतलब 5,00,000 × 20, और ये हो जाता है 1,00,000। सरल भाषा में आपकी पॉलिसी का इंश्योरेंस कवरेज आपकी इनकम का 20 गुना होना चाहिए। हम ये रूल खासकर आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अक्सर ही लोग गलत लाइफ इंश्योरेंस प्लान में फंस जाते हैं। ऐसे टर्म इंश्योरेंस जिसकी उनको शायद कभी जिंदगी में जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। आप इस मुसीबत में बिल्कुल ना फंसें, इसलिए इस रूल का ध्यान रखें ताकि आप अपनी इनकम के हिसाब से बेस्ट प्लान सिलेक्ट कर पाएं और किसी भी टाइप के अननेसेसरी चार्जेस से खुद को बचा पाएं। अगली बार जब आप इंश्योरेंस लेने की सोचें तो 20x टर्म इंश्योरेंस रूल को जरूर ध्यान रखें। इससे आपको आसानी से पता लग जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस एपिसोड में। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करना कितना जरूरी होता है ये तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। बात करते हैं अब अर्ली रिटायरमेंट की। अर्ली रिटायरमेंट प्लान कितना ज्यादा जरूरी है, खासकर ऐसे हालात में जहां आजकल तो गवर्नमेंट भी लोगों को पेंशन देना बंद कर रही है और प्राइवेट जॉब्स सिक्योर एंड स्टेबल नहीं है। अर्ली रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने सिलेक्ट किया है आपके लिए 25x रिटायरमेंट रूल। ये एक तरह की सिंपल गाइडलाइन है जो आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग में मदद करता है। साथ ही ये रूल आपको समझाता है कि अपनी ड्रीम रिटायरमेंट लाइफ को अचीव करने के लिए आपको एग्जैक्टली कितनी सेविंग्स करने की जरूरत होगी। इमेजिन कीजिए कि आप महीने की 1,00,000 सैलरी की जॉब करते हो, तो 25x रिटायरमेंट रूल के मुताबिक आपको अपने खर्चों यानी एक्सपेंसेस को 25 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपकी सैलरी 1,00,000 है तो आपका साल का खर्चा यानी एक्सपेंस 25,00,000 का होगा। अब क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आपकी सैलरी ना रेगुलर रहेगी और ना ही इतनी ज्यादा जितनी की आज है, इसलिए इस रूल के इस्तेमाल से आप ये जान गए कि अगर आज आप 1,00,000 रुपए तक कमाते हैं तो रिटायरमेंट के लिए आपको 25,00,000 रुपए सेव करने का टारगेट बनाना है, एक रिटायरमेंट सेविंग फंड अपने आप के लिए बिल्ड करना है। ये आप लोगों को थोड़ा मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन इस रूल की मदद से आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्टार्ट मिल जाएगा और आप अपने लिए एक बेहतर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग स्ट्रेटजी बना पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9th एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा रूल जो इन्वेस्टिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। जब हम पैसा बचाते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा सबसे बड़ा दोस्त होता है टाइम, और इन्वेस्टमेंट का यह ब्रह्मास्त्र फर्स्ट वीक रूल कहलाता है कि हर महीने जब आपका पेचेक आता है, मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपको अपना इन्वेस्टमेंट करना है,
इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टमेंट छोटा है या बड़ा, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये रूल ब्रह्मास्त्र के साथ साथ आपकी गरीबी की बीमारी का रामबाण इलाज भी है। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इसका सिंपल सा जवाब है कंसिस्टेंसी। जब आप हर महीने के पहले हफ्ते में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करते हैं। इस रूल के मुताबिक आप अपनी इनकम का एक फिक्स्ड परसेंटेज फर्स्ट वीक में कंपलसरी इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप 5,000 का छोटा सा इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना कर दें। आपको पता भी नहीं लगेगा और टाइम बीतने के साथ साथ आपका पैसा 3 या 4 गुना हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। इस रूल को फॉलो जरूर करें और यही रूल आपको एक बड़ा इन्वेस्टर बनाएगा। एक बड़ा इन्वेस्टर और अमीर आदमी अपनी आदतों से बड़ा बनता है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की आदत डालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी पलटती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस रूल के बारे में बात करने वाले हैं वो किसी जादू से कम नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले जानते हैं कंपाउंडिंग कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने 10,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और आपकी इन्वेस्टमेंट पर एनुअल रिटर्न 8% का है। साल के एंड में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 10,800 रुपए का हो जाता है। क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टमेंट की रकम ज्यादा हो गई है, इसलिए आपको मिलने वाला रिटर्न भी आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट से ज्यादा मिलेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहां आप दो चीजों से पैसा कमा रहे हैं, पहला आपकी 10,000 की इन्वेस्टमेंट पर और दूसरा आपको मिलने वाले रिटर्न पर भी आप हर साल पैसा कमा रहे हैं। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग का जादू। अब बात आती है 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग की। ये रूल कहता है पहले 4 साल में आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट 20,000 यानी डबल होगा। अगले 4 साल में आपका इन्वेस्टमेंट 20,000 से डबल होकर 40,000 होगा। ये साइकिल 3 बार रिपीट होगी, जिसका मतलब 12 साल में आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट 1,60,000 रुपए पर पहुंच जाएगा। हुआ ना जादू? आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो सिर्फ 10,000 का था, वो बिना किसी मेहनत के 1,60,000 का हो गया। दोस्तों, आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। फर्स्ट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग। सेकंड, 843 रूल ऑफ कंपाउंडिंग को याद रखें। एंड थर्ड, वेट एंड वॉच। देखा कितना आसान है पैसा बनाना? अगर आप हमारे बताए हुए रूल्स फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए, एक दिन आप नहीं बल्कि आपका पैसा ही आपके लिए पैसा बनाने का काम करेगा। उम्मीद है आप सभी को यह आसान सा रूल समझ आया होगा। तो बैठे क्यों हो भाई, जाकर इन्वेस्टमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। स्वागत है दोस्तों आपका आखिरी एपिसोड में। उम्मीद है आप सभी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम आपको बताएंगे छोटी छोटी बातें जो आपको इन्वेस्टमेंट करते वक्त याद रखनी है। पहले, फर्स्ट वीक रूल फॉलो करें। इन्वेस्टमेंट करना ना छोड़ें, चाहे छोटा हो या बड़ा, इन्वेस्टमेंट जरूर करें और अपने पैसे को स्मार्टली ग्रो करें। दूसरा, कंपाउंडिंग के जादू को समझिए। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट करेंगे उतनी जल्दी अमीर बन पाएंगे। इन्वेस्ट, फॉलो द रूल, वेट एंड वॉच। तीसरा, अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग में 25x रिटायरमेंट रूल को फॉलो करें और अपने लिए फाइनेंशियल गोल सेट करें, जो कि आपको सुकून की रिटायरमेंट लाइफ जीने में मदद करेगा। पॉइंट नंबर 4, अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बिल्ड करें। हमारी दी गई इन्वेस्टमेंट टिप्स को फॉलो करें और अपने इमरजेंसी फंड को ग्रो करें। उम्मीद है आप सब तैयार होंगे अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करने के लिए। हमारे शो में दी गई टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो हम वादा करते हैं कि आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकेगा।